एडक्कड़, मेरा खूबसूरत गांव। ये कालीकट राज्य में है। ये एक बहुत ही खुशहाल और संपन्न गांव है। यहाँ वो पांचों दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इसी स्कूल में कैप्टन शफीक यानी मैं और शंकर भी कभी पढ़ा करते थे। हमारे स्कूल में एक फनी एनसीसी टीचर भी था। मेरे दोस्त शंकर की मिलिट्री में भर्ती होने की बड़ी तमन्ना थी, लेकिन उसके पापा के देहांत के बाद उसे अपने परिवार को पालने के लिए जनरल स्टोर में बैठना पड़ा। हमारे गांव की आसमान को छूती वो जुमा मस्जिद, जिससे मेरे बहन के शौहर उमर भाई अजान देते थे, वो अजान सबके दिल को छू जाती थी। ऐसी सुरीली अजान थी उनकी। एडक्कड़ गांव में मोहम्मद कुट्टी यानी मेरे अब्बा की लजीज बिरयानी के स्वाद के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। उनका केटरिंग का बिजनेस था। मेरी अम्मी सुरैया कुट्टी, जिन्हें मेरे अब्बा प्यार से मिनिस्टर बोलते थे, वो हमारे गांव के पंचायत की एक वार्ड मेंबर थी। वो बहुत ही तेज तर्रार और दयालु थी। उनको गांव में सब सुरैया मैडम बोलते थे। मेरी बहन समीरा के शौहर उमर खान हमारे गांव का स्कूल चलाते हैं। मेरी बहन समीरा का सपना था कि वो एक पुलिस ऑफिसर बने। हमारे घर में सबकी चहेती थी हमारी दादी तिथुम्मा। दादी जितनी अच्छी थी उतनी बुरी भी थी। उसे गांव में सभी तिथु दादी बुलाते थे। हमारे गांव के बशीर अंकल गल्फ कंट्री से आकर अपने परिवार के साथ इसी गांव में बस गए थे। बशीर अंकल की दो बेटियां थी, नसरीन और नैना। नैना उमर भाई के स्कूल में टीचर थी। वो स्कूल के सभी बच्चों को प्यार से पढ़ाती थी। सभी बच्चे भी नैना को बहुत चाहते थे। उन पांचों दोस्तों की फेवरेट जगह हमारे गांव के बीच पड़ने वाला एक छोटा सा ब्रिज था, जो गांव के स्कूल जाने वाले रास्ते में पड़ता था। जब सभी गांव वाले गांव में होने वाले भगवती मंदिर के उत्सव में शामिल होते थे, तब एडक्कड़ गांव और भी खुशनुमा हो जाता था। उस उत्सव की शुरुआत हमारे घर से गए तेल और रस्सी से ही होती थी। ये प्रथा सालों से चली आ रही थी। हमारा गांव इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाता था। जय माता दी, 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 जय माता दी। आओ, एक लॉटरी टिकट दूं क्या? कल रात को मंदिर का कलश उठाया था, आपकी लॉटरी लग जाएगी। मेरी किस्मत अच्छी है, उन्हीं की कृपा से जी रहा हूँ। कितने की है? 40 रुपए। शंकर, ये लॉटरी तेरे लिए ले रहा हूँ। मेरे लिए? लॉटरी लग गई तो इस टेप रिकॉर्डर के पैसे अकाउंट में जमा करा देना। किसके? मेरे यार। मेरे लिए? पहले से देखो तो क्या है। तेरी दुकान में म्यूजिक सिस्टम तो होना ही चाहिए। ये तो बढ़िया है। हम मिलिट्री वालों को टीवी से ज्यादा पसंद है, फेवरेट है उनका। तुम्हें कहना चाहिए हम आर्मी वाले हैं। हाँ। भाई 5 लेटर देना। हाँ देता हूँ। एक लॉटरी दूँ? अरे महालक्ष्मी की लॉटरी है। नहीं चाहिए, प्रिंस पैसे दे। हाँ ले। ये लो बाकी के पैसे। किसी ने भी नहीं ली। इन लोगों ने सिगरेट क्यों नहीं ली? पता नहीं, हमेशा ये लोग लाइटर लेने ही आते हैं। ये लोग अभी भी वहाँ ब्रिज के पास ही बैठते हैं। ये हमारे समाज में रहने के लायक नहीं है। बहुत बड़े लफंगे हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं। ये सारे गलत काम करते रहते हैं, दिन भर मटर गस्ती करते हैं ये। और तो और, अपने माँ बाप से भी नहीं डरते। पिछले हफ्ते ये लोग धमकी देने आए थे। इनमें से एक लड़का पुलिस वाले का बेटा है, रुपेश नाम है उसका।
देख सर्वेश आ रहा है। हाँ दिख रहा है मुझे। माल मिला के नहीं? भाई गया तो मिलेगा ही ना। कितना लाया है? 30 पैकेट लाया। दिखा जरा। ये अलग चीज है, बाहर इसकी बहुत डिमांड ओ, है। नया माल है। नागा ये स्ट्रॉन्ग भी है। चाहे कुछ भी हो जाए सर्वेश माल की कमी नहीं होने देगा कभी। तू सही बोल रहा है। बाकी बात में लाता हूँ। और नहीं तो क्या। सही है यार। ये नए लोगों को मत देना, काफी स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत कड़क माल है, अगर सही ढंग से नहीं दिया ना तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। समझ गए? प्रिंस और रुपेश भी आ गए। रुकना। अरे रुको रुको। रुक रुक। ए रुकना। प्रिंस इतना लेट क्यों हो गया? पर आ तो गया ना। आखिर हुआ क्या? अरे वो वापस आ गया है ना। करके शॉप में दिखा था। अच्छा तुझे याद है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था? उसने देखा क्या? वो हमें घूर रहा था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों रे नागा, कौन है वो? अरे वही मिलिट्री वाला, फेस्टिवल में शामिल होने आया है, बच के रहना पड़ेगा। अच्छा मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। नागा शाम को मिलते हैं शॉप में, आ जाना। पैसे तैयार रखना। ठीक है। नमस्ते मैडम जी। सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ। सुना है आपकी बेटी पुलिस सर्विस में जाने वाली है? हाँ नाम तो लिस्ट में आ गया है लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। मैडम जी शफीक की शादी जल्दी कराइए, आज अब जिस पोजीशन पर है उस पर गांव वालों को गर्व है। मंत्री तक का सफर तय करना है। हाँ वो भी सही है। मैडम जी इसे अंदर दे दो। ये आपको देने में और अंदर देने में काफी फर्क है। हमारा परिवार बहुत तकलीफ में है। बेटी के बारे में तो आप जानती हैं, कम से कम व्हीलचेयर ही ठीक करवा दीजिए। अरे शफीक ये अपने कुंजुमोल शेट्टी की माँ है, इसकी बेटी की व्हीलचेयर बनवा दो ना। आप चिंता मत करो दीदी, मैंने शंकर को बोल दिया है। जी चलो माँ। चलती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। जब भी तुम्हारे निकाह की बात करती हूँ तुम तो जवाब ही नहीं देते शफीक। अम्मी कुछ ही दिन तो हुए आए हुए, कल ही चला जाऊँ क्या? तुम जब भी आते हो यही जवाब देते हो, कुछ भी हो लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। तुम लोग मुझसे मत पूछो, तुम्हें जो करना है करो। तुझसे पूछ ही कौन रहा है? तित्तू तुम तो अपना मुँह बंद करके ही रखो। ये क्या हो रहा है शफीक? अरे दादी माँ आप नहीं समझेगी, बेवजह बकबक मत कीजिए। समीरा का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। नहीं 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 नहीं, हमारे खानदान में किसी लड़की ने नौकरी नहीं की है। ये आपसे किसने कहा? आजकल किसी भी काम में लड़का लड़की का फर्क नहीं देखा जाता। वैसे एसआई की पोस्ट काफी अच्छी। पापा ये पुलिस और मिलिट्री की जॉब कोई इजी जॉब नहीं होती, उन्हीं की वजह से देश सुरक्षित है, इससे समाज में इज्जत और बढ़ेगी। समीरा अब तुम पुलिस टेस्ट में पास हो गई हो ना, अब आगे की तैयारी करो। इसमें तुम्हारी क्या राय है? तुम तो उसके शौहर हो ना? सही आदमी से सवाल किया। शफीक की बात से सहमत हूं मैं, समीरा को पुलिस सर्विस में ही जाना चाहिए। जो भी हो लेकिन मैं नहीं मानने वाला। तो चचा आप चाहते क्या हैं? अगर ये मेरे साथ मिलके बिरयानी के बिजनेस को आगे बढ़ाए तो ही मैं इसके लिए राजी हो पाऊंगा शंकर, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। हाँ, 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 आप तो यही बोलेंगे। तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि इस बिरयानी के बिजनेस की गल्फ कंट्री में कितनी डिमांड है? शफीक इसके लिए दिमाग चाहिए दिमाग, लेकिन तुम्हें तो बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों से लड़ाई करना ही पसंद है। तुमने तो लाइफ में कुछ नहीं किया, इसे तो कुछ करने दो। टिट्ठो तुम निकलो यहाँ से। हमेशा बीच में बोलती रहती है, सुनता ही नहीं है। समीरा तुम दादी की बात पर ध्यान मत दो, तुम्हें पुलिस के यूनिफॉर्म में देखना ही मेरी ख्वाहिश है। माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं सबके लिए चिकन लाता हूँ, समीरा का सिलेक्शन मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। पापा इस बार बिरयानी मैं बना देता हूँ, शायद आपसे अच्छा बना दूँ। मेरे सारे मामा नरक में जाएंगे, उन्हीं की वजह से पी रहा हूँ। मेरी माँ को धोखा देकर मेरी माँ की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे चुप कर शंकर। शफीक बेटा तुम ही समझाओ कि ये शादी तो कर ले। बस इसी की कमी थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ा तो ये बात शंकर भाई के दिल को लग गई, इसीलिए मेरे भाई को शादी से सख्त नफरत है। लो शालू भी आ गई। हॉस्टल में रहती है और हर हफ्ते यहाँ आ जाती है। तुम आजकल क्या कर रही हो? डिग्री कंप्लीट की। कब किया तूने?
माँ मुझे मछली करी खानी है, जल्दी ला कर देना। बेटा शालिनी थोड़ी मच्छी करी लेकर आ। मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं नहीं लाऊंगी। क्या हुआ उसे? सर दर्द है। उसे जो काम का हो वो ऐसा ही जवाब देती है, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। माँ बहुत आलसी है, शालू क्या कहती है क्या करती है कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान क्या होगा इसका। मिलिट्री में जाऊंगा मिलिट्री में जाऊंगा बोल के ये स्कूल के एनसीसी मास्टर के पीछे पड़ा रहता था, लेकिन इसकी किस्मत में तो किराने की दुकान पर बैठना लिखा था। बेचारा सफी, अगर मैं मिलिट्री में होता तो पाकिस्तान का छक्का छुड़ा देता। मुझे पीने के लिए तो मिलता है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। लगता है देश को हमारी जरूरत ही नहीं है। तुम भी जाकर अपने बाप की बिरयानी बनाने में मदद क्यों नहीं करते? चुप रहो भैया। मैं तो बोलूंगा बोलूंगा। पापा अभी भी बिरयानी बनाने जाते हैं? नहीं नहीं अब नहीं जाते। वो नहीं चाहते कि उनकी बिरयानी की रेसिपी गांव में किसी को पता चले। चाचा जी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे दोस्त जमाल की बेटी की उसकी शादी है ना अगले हफ्ते, कैटरिंग का काम उन्हें ही दिला देते हैं। मैं उन्हें जानता हूँ, जिम में कई बार मिला उनसे। जिम में? तू जिम जाता है? जिम के नीचे शराब की दुकान है ना, वहाँ तो जाता हूँ ना मैं। थोड़ी मच्छी करी लेकर आना। जा ना, जा लेकर आ, जा लेकर आना। मैं तेरे लिए भी बनाऊँ क्या? चुप कर। ठीक है। शफीक 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 जरा रुको तो भाई। अरे सुनो, तुमसे एक सीक्रेट शेयर करना है। वो क्या है, अभी तुमसे एक बात करनी है। नैना फातिमा वो मेरे स्कूल में टीचर है, बहुत स्मार्ट है, खूबसूरत भी है। आप दूसरी शादी करना चाहते हो? मजाक मत करो यार। हे, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। शफीक मेरे चाचा की बड़ी बेटी की शादी में उनकी फैमिली आई है और वो लोग हमारी काफी इज्जत भी करते हैं। तुम एक काम करो, एक दिन मेरे स्कूल आ जाओ, चाहो तो मुझसे मिलने के बहाने आ जाओ। बाकी बातें मैंने शंकर को बता दी है। सुनो, हम इस तरफ चलें क्या? किस तरफ चलें? मस्जिद की तरफ। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम जाओ। शफीक स्कूल आ जाना है। ओके। ए शंकर, एक बंडल बीड़ी का दे तो। मैं आपको बीड़ी नहीं दूंगा। अगर मैं आपको बीड़ी दूंगा तो शफीक मुझे गोली मार देगा। अरे तू मुझे बीड़ी का बड़ा बंडल दे ना, वो घर पर है, उसे क्या पता चलेगा। उसे पता चले या ना चले, मैं आपको बीड़ी नहीं दूंगा। अभी आपको पानी चाहिए तो बोलिए। शंकर भाई एक बीड़ी का बंडल देना, अच्छी वाली देना, समझे? तुझे चाहिए या जानबूझकर दादी को छेड़ रहा है? अरे दोनों। इसे बीड़ी का बंडल देने के लिए है और मुझे तू मना कर रहा है, एक नंबर का झूठा है तू। आपका हो गया क्या? मेरी हाय लगेगी, तू देखना तेरा धंधा ठप हो जाएगा। इस गांव की सड़कों पर पागलों की तरह घूमेगा तू, इन्हीं आँखों से देखूंगी मैं, समझ गया? सलाम सलाम। दादी, ए दादी, तब तक तुम बचोगी क्या? मेरी करोड़ों रुपए की लॉटरी बर्बाद कर दी। करोड़ों रुपए की लॉटरी, सत्यानाश जाएगा तेरा भी। शफीक फॉल आउट। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? सच कहूँ तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शफीक हंसना मत, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। सावधान, परेड विश्राम। एनसीसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, परेड सावधान, परेड विश्राम। यहाँ तक कि एनसीसी टीचर भी नहीं बदले, इनमें आज भी वही एनर्जी है। जानता हूँ बहुत एनर्जी है, मेरे घर आकर कई लीटर दूध पी चुका है। परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान। गुड मॉर्निंग सर। अरे शफीक
तुम कब आए? बस कुछ ही दिन हुए। अब तुम्हारी रैंक क्या है? अब कैप्टन बन गया हूँ। क्या बात है, तब तो सैल्यूट करना पड़ेगा। अरे नहीं सर, आप क्यों कर रहे हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, मुझे ही सैल्यूट कर दीजिए। अच्छा शंकर, तुम्हारी सब गैया ठीक ठाक है ना? मैंने सारी गायें बेच दी हैं। अच्छा हुआ, नहीं तो भूखा रहने से सब गैया मर जाती है। वैसे आप लोग यहाँ क्यों आए हो? इसके लिए आया हूँ, इसका एडमिशन करवाना है ना। नहीं, मैं जीजा जी से मिलने आया हूं। सर वो स्टाफ रूम में मिलेंगे, जाओ। ठीक है सर। शफी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मेरे एनसीसी के बच्चों को इंस्पायर करो, ये इनके लिए अच्छा अफसर होगा। शफी, इस ग्राउंड में मार्च करने वाला स्टूडेंट आज आर्मी में कैप्टन बन चुका है, इस बात पर मुझे भी गर्व है। शफी, अगर तुम इनसे दो शब्द कहोगे तो इन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है सर। ओके। अरे चलो, राइट टर्न। क्या हुआ सर? इसने होमवर्क नहीं किया। फिजिक्स की क्लास आज कौन लेगा? क्या है? उमर सर। सर क्लासरूम में है। उमर सर से तो घर पे मिल लेना। वो क्या मैडम, ये क्या बोल रहे हो? 10 मिनट में प्रिंसिपल के रूम में मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स। चलो, अगर उमर सर पूछे तो क्या बोलूं? उमर सर से कहना कि उनका साला आया था। ठीक है, है? चलो अब चलो। एनसीसी टीचर से भी मिल लेंगे। क्यों, परेड में जाओगे क्या? अरे चुप करना। एक सोल्जर की प्रायोरिटी वो और उसका परिवार नहीं होता, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका देश होता है। उसकी हर एक सांस और खून का हर एक कतरा देश के लिए समर्पित होता है। हम देश का भरोसा हैं। मैं तुम लोगों से यह नहीं कहता कि आप सब सोल्जर बनो, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी सोच एक सोल्जर जैसी होनी चाहिए। याद रखना, तुम्हारा लक्ष्य देश के विकास और सुरक्षा के लिए होना चाहिए। आप लोगों के सपने बहुत बड़े होंगे, लेकिन हमारे इस देश का भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हारी हिफाजत करने वाला भी सोल्जर ही है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जो मौसम हो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहते हैं। एक या दो दिन के लिए नहीं, सालों तक तैनात रहते हैं, ताकि तुम देश के दुश्मनों से सुरक्षित रहो। तुम लोग घर में चैन से सो, इसीलिए हम बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। जान की बाजी लगाने वाला, उसे ही सोल्जर कहते हैं। एक सोल्जर के लिए उसको दी गई उसकी यूनिफॉर्म ही सब कुछ है। अगर सोल्जर को गोली लग जाए तो देश का कोई भी नागरिक उसे गंभीरता से नहीं लेता। वहीं अगर एक नेता को गोली लग जाए तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। हमें सोल्जर की शहादत को भूलना नहीं चाहिए। देश के लिए जय हिंद। टीचर जी, क्या बात है सर? शफीक आया था क्या? नहीं आया था। एनसीसी सर की क्लास में होगा। चलो मैं तुम्हें शफीक से मिलवाता हूँ, आ जाओ चलो मेरे साथ। शफीक, एनसीसी टीचर की जॉब बहुत कर ली मैंने, अब रिटायर्ड होना चाहता हूँ मैं। हाँ बोलो। तुमने क्या बच्चों को बहुत अच्छी स्पीच दी। बच्चों को ही नहीं, मुझे भी अच्छा लगा। हाँ तुम रखो। सुनो, गौरी का फोन आया था, शालिनी को अस्पताल में एडमिट किया, हमें जल्दी वहां बुलाया। सर बाद में मिलते हैं। She's not conscious. Sister, blood test की तैयारी करो। जी डॉक्टर। ओके। क्या हुआ? भैया। ये मेडिसिन जल्दी मंगवाओ। एक्सक्यूज मी। मैं दवाई लेकर आता हूँ। तू रुक, मैं लेकर आता हूँ। क्या हुआ इसे? मुझे नहीं पता। शालिनी, क्या हुआ माँ इसे? डॉक्टर बैठिए। आपका नाम? शफीक। सी मिस्टर शफीक, ये सिर्फ शालिनी की बात नहीं है, देखिए ये अब आम बात हो चुकी है। तुम विश्वास नहीं करोगे, बट शालिनी जैसी लड़कियां आसानी से ट्रैप हो जाती है। ट्रैप? आई एम सॉरी बट शी इज यूजिंग ड्रग्स, और वो भी ओवरडोज। इंजेक्शन और नॉर्मल ड्रग्स नहीं ले रही है वो, इस तरह के ड्रग्स को ड्रग्स इन्फ्यूज बैंडेजेस कहते हैं। आजकल यही चलन पे है, ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स यही ले रहे हैं। आपने शालिनी के पैरों को ध्यान से नहीं देखा क्या?
आपको ब्लेड के कट्स मिलेंगे पैरों में। उस कटी हुई जगह पर ये बैंडेज, ये ड्रग इन्फ्यूज बैंडेज लगाते हैं। That's how they do it. डॉक्टर, ये आता कहाँ से है? इसके लिए बहुत एजेंट्स हैं। इसे हमारे क्लिनिक में ही रहने दीजिए। She needs counseling. यहाँ रहेगी तो कम से कम हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेगी। आगे से ऐसा कुछ हुआ तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। शंकर, हाँ ये ले, मैं डॉक्टर से मिलके आ गया हूँ। क्या कहा उन्होंने? चिंता की कोई बात नहीं, ये मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी। छोटा सा इन्फेक्शन हुआ था और वक्त पर इंजेक्शन न लेने से बॉडी पे रिएक्शन हुआ, बस। इसने तो आज मुझे डरा ही दिया था। मुझे भी बहुत टेंशन हो गई थी, मेरी तो जान ही निकलने वाली थी। डॉक्टर ने कहा आज ही डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन ये कट्स दोबारा नहीं लगने चाहिए। ध्यान रखना अपना। भैया कैमरा कौन है? ये टच स्क्रीन है, इसमें बहुत से फीचर्स हैं, इससे आप जो चाहें वो काम हो जाएगा। फ्री टाइम में मुझे सिखा देना, मैं आ जाऊंगा। अरे हाँ पक्का सिखाऊंगा ना, लेके जाइए आप। पिछले बार भी अच्छा बाबू बनाया था। ओके ओके, दो टॉप अप। अरे उधर मत देखिए, ये फोन को देखिए, ये फोन बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू, बाय। नागा भाई, टॉप अप कैसे किया? नंबर तो दिया ही नहीं उसने। वो हमारी रेगुलर कस्टमर है, मुझे उसका नंबर याद है। भैया आप यहाँ कैसी हैं? आने के बाद से सो ही रही है, बहुत थक गई है। इसके शरीर पे छोटा सा घाव हो जाए तो भी किसी को भी नहीं बताती, बहुत बहादुर है मेरी बहन। ठीक है, तुम चिंता मत करो, इसे अच्छे से सोने दो, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अरे बेटा तुम कब आए? बस अभी आया। जब से अस्पताल से आई है तब से कुछ भी नहीं खाया, क्या करूं मैं, एक बूंद भी पानी नहीं पिया। मैं चाय बना के लाती हूँ बेटा। हाँ। भगवान जाने क्या होगा। ये क्या कर रहा है तू? तू हर काम उल्टा पुल्टा क्यों करता है? चाचा तो काम में लगे हुए हैं। पापा टाइम वेस्ट करने वालों को पसंद नहीं करते। मसाला तेल, मसाला बनाओ, हाँ उसको लपेटो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे शफीक, हाँ तेरे पापा बिरयानी अच्छी बनाते हैं। जब नैना से तेरी शादी होगी ना, तब तेरे पापा को कहना पूरे गाँव को फ्री में बिरयानी खिलानी पड़ेगी।
चलो दूल्हे से मिलके आते हैं। हाँ ठीक है, कंग्रेचुलेशन। ओके खाना खा के जाइएगा। सुनो शफीक, तुम्हारे पापा यहाँ की सभी शादियों में बिरयानी बनाते हैं, तुम्हारी शादी में भी बिरयानी चाहिए, क्या बोलते शंकर? सही कहा, मैं दूल्हे के बाप से मिल के आता हूँ। शफीक भाई, शफीक भाई सुनिए ना, आप मेरे साथ आइए, आपको कुछ बताना है, चलिए ना जल्दी। पापा सब खत्म हो गया। क्या हुआ? बिरयानी जल गई शफीक भाई। मैंने कभी गैस पर बिरयानी नहीं बनाई ना। पापा चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। जमाल अपने कारीगरों के साथ शहर में नहीं है, वो तो बाहर गया हुआ है। तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तो क्या करूं बता ना। थोड़ा जल्दी चलाओ ना। आखिर ये कहां लेकर के जा रहा है? चल चल जल्दी आ। चल शंकर। हाँ फोन किया कि नहीं? हाँ अभी करता हूँ। हाँ हेलो, दुकान में हो ना? हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है शंकर। हाँ। जल्दी आ। हांडी तैयार है ना? हाँ चलो चलो जल्दी करो। जल्दी भगा। चाचा चाचा आप ना बिल्कुल चिंता मत करिए, शफीक और शंकर भाई गए हुए हैं, रहमत भाई के होटल से बिरयानी लेकर आते ही होंगे। कुटी चाचा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पापा यह मत सोचना कि उस दिन तुमने शादी में मेरी इज्जत बचाई थी शफीक, बल्कि तुमने शर्मिंदा कर दिया मुझे। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पापा बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, इसलिए लोग हाथ मिलाकर बधाई दे रहे थे, जिसका मैं बिल्कुल हकदार नहीं था। मुझे जल्लत महसूस हो रही थी शफीक, तुम्हें शफीक ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा मैंने तो बस आपकी मदद की, पता नहीं था कि आपको बुरा लग जाएगा। इन बर्तनों ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। पर मुझे गैस पर बनाना नहीं आता था। जाने दो पापा, भूल जाइए, और कोई रास्ता भी नहीं था। अपने अम्मी से खाना लगाने के लिए बोल, मैं आपके लिए बिरयानी लाया हूं। ये बिरयानी खाना मेरे लिए जहर के समान है। मेरी बिरयानी तो जल गई, वो खाने लायक नहीं है, इसे फेंक दे। इस सब बर्तनों को कल सुबह बेच देना। आज के बाद मैं कभी बिरयानी नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं। जाके सो जाना। सो जा बेटा।
ये मच्छी ताजी है? अभी पकड़ के लाया हूँ। कितने की है? पैसा आपके घर से ले लूंगा। हाँ शंकर पकड़ इसे। मैं नहीं पकड़ूंगा, बास आती। हाँ? खाते वक्त बास नहीं आती? तब पक जाती है ना। घर पर दे देना। अल्लाह ने बचा लिया, नहीं तो तू और वो बच्चे और वो गाड़ी सब जल के खाक हो जाते। पागल हो है? कैसे बातें करते रहती हो? अपनी काली जुबान बंद रखो, चुप रहो एकदम। मैं जब भी कुछ बोलती हूँ चुप करा देता है। अगर ये बिरयानी बनाने वाला होता तो फिर ऐसा हो सकता था है? लेकिन हम आर्मी वालों की बात ही कुछ और है। तू भी तो मिलिट्री में जाने वाला था, आज टुच्ची सी दुकान खोल के बैठा है। अरे मेरी दादी, चल हट। पापा जी एक बात बताऊँ आपको, शफीक ने आज सिर्फ बच्चों को ही नहीं बचाया बल्कि उसने हमारी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। शफीक तुमने सिर्फ बच्चों को ही नहीं बचाया बल्कि स्कूल टीचर को भी बचा लिया। कौन? नैना टीचर? हाँ वही। हाँ। मैं उससे अभी भी मिलकर आ रहा हूँ, लगता है तुम्हें बहुत पसंद करती है। उसके पसंद करने से क्या होगा? अरे तुम जाकर मिलो तो उससे,
पक्का कह रहा हूँ टीचर तुम्हें भी पसंद आने लगेगी सच में। कॉलेज में मैं एनसीसी के अंडर काम करती थी। ओटीओ सिलेक्शन हुआ था यूपी के मेरठ के मिलिट्री कैंप में, लेकिन मैं फेल हो गई। कोई बात नहीं, वैसे एक टीचर के अंदर मिलिट्री स्पिरिट होना बहुत ही अच्छी बात है। एक्सीडेंट में तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ एक्सीडेंट में। हाँ, लेकिन स्कूल के बच्चे जरा शॉक में हैं। ठीक हो जाएंगे। कल शाम को आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो फिर कल आप हमारे स्कूल आ सकते हैं प्लीज? वहाँ नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ साथ एबनॉर्मल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। आप आएंगे तो हमारे स्कूल के बच्चों को अच्छा लगेगा। उस एक्सीडेंट के बाद आप हमारे स्कूल के लिए सेलिब्रिटी बन गए हैं। हमें थोड़ी नजदीकी डेट रखनी पड़ेगी। 15 कैसी रहेगी? 15 तारीख तो सही रहेगी। तो चलेगा ना, 15 को ही करते हैं। ठीक है, ठीक है। शफीक, तुम लोगों की मंजूरी के बिना ही हम लोगों ने डेट फिक्स कर दिया। शफीक, इसी महीने की 15 तारीख फिक्स हुई है, तुम्हें कुछ कहना है? एट कल्पना रिजोर्ट, ठीक है ना? निकाह और रिसेप्शन तय कर लेंगे, तुम्हारा क्या कहना है? कुछ बोलोगे? मतलब सब ठीक है? पक्का इसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है। तेरे को कोई काम धाम नहीं है क्या? तुम लोगों को जैसा कहा वैसे ही करना। इधर जा रहे हैं। चलो बाद में मिलता हूँ मैं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, हाँ मिलते हैं। बाय। वो आदमी कौन था? हमारा फ्रेंड था। फ्रेंड था, पर वो तो तुमसे उम्र में बड़ा लग रहा था। और ये लोग कौन है? ये हमारे क्लासमेट्स हैं। क्लास खत्म नहीं हुई? खत्म हो गई। चलो फिर घर जाओ। शफीक भाई, मैं भी इसी गांव का हूँ। चल जाना। जा रहा हूँ ना। शाम के वक्त यहाँ पर मत रहा करो, तुम्हें बहुत बार समझाया है। चलो निकलो, घर जाओ। अभी जल्दी चलना, इसको तो बाद में देख लेंगे। क्या हुआ? मैं बाहर हूँ। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, भाई भी घर पर नहीं है, वो एम्बटूर कुछ लेने गए हैं, इसलिए आपको यहाँ बुला रही हूँ। जल्दी आइए। मैं भी आ रहा हूँ। क्या बात है, क्या हुआ गौरी? इसके बारे में बात करनी थी, इसलिए आपको बुलाया है। इसने अपनी सोने की चेन पता नहीं कहाँ घुमा दी, कान की बाली भी गिरवी रख दी है।
ये क्या कर रही है इसे खुद भी नहीं पता है, झूठ भी बोलने लगी है। अभी ये मुझसे 10,000 मांग रही है। मैंने पूछा किस लिए चाहिए तो जवाब भी नहीं दे पा रही है। इन दिनों इतने पैसे क्यों खर्च कर रही है बता भी नहीं पा रही है। माँ भी घर पर नहीं है, भाई को इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर उन्हें मालूम पड़ा तो इसे छोड़ेंगे नहीं। गौरी जाओ तुम चाय बना के लाओ, मैं इसे बात करता हूँ। पता नहीं कब सुधरेगी। क्या है ये सब, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, इतने पैसे क्यों चाहिए, क्या जरूरत पड़ गई, जवाब दो। शालू बोलती क्यों नहीं, तुम्हारे पैर पर कट्स कैसे लगे मैं सब जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम ये बैंडेज कहां से खरीदती हो, तुम्हारे रूम में भी मुझे बैंडेज मिले हैं। अब बताओ। शालिनी, तुम और समीरा मेरे लिए दोनों बराबर हो, बोलो तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, कौन तुम्हें डरा रहा है। उन लोगों का नाम मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं बता सकती। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। चलो बताओ कौन है वो। मैं किसी को जानती नहीं हूं, लेकिन फोटो, इसको ब्रिज के पास बैठे देखा है मैंने, पांचों लड़कों के साथ। बाकी सब लोग कहाँ गए? वो लोग चले गए, यहाँ पर कोई नहीं है। इसे जानते हो? नहीं। तुमने इसे देखा भी नहीं? मैंने नहीं देखा। बाकी लोग कहाँ हैं? घर चले गए। नीचे कोई नहीं है। अरे सुनो तो, ए छोड़ो। शफीक भाई मेरी बात सुनो, अरे वहां मत जाना, मैं आपसे कह रहा हूं ना वहां पर कोई नहीं है, आप मेरी बात तो सुनो मुझे। अरे रुको शफीक भाई, शफीक भाई कहां जा रहे हो आप? अरे ये यहां कैसे आ गए? पता नहीं। क्या है ये सब? बोल क्यों नहीं रहे हो? क्यों मार रहा है इसे? क्या जानना चाहता है मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ। पूछना भाई, रुक, छोड़ छोड़ उसे, रुक, छोड़, चल, चल, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
चल बैठ गाड़ी। अरे मैंने कुछ नहीं किया। ये चलाना। चल शफीक आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। ओके सर। ओके शो आ गया। प्रिंस जातो से बात कर। ये ले पकड़। ये शो। अरे ये बात क्यों नहीं कर रहा है? जाना पूछ। सुनना, तेरे पापा ने क्या कहा? अरे बोलना। अरे बता तो सही, वहां पुलिस स्टेशन में हुआ क्या तेरे साथ? मुझे बुलाया था पर मैंने कुछ नहीं बताया। अब तुम लोग आजाद हो। ऐसा कुछ नहीं है यार। क्या कुछ नहीं है? पकड़ा तो मैं गया था ना, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पागल है क्या? उसने हम चारों को देखा है, हम लोग भी फंस जाएंगे। तुम तो मुझे छोड़कर कट लिए थे ना। मैंने भी देखा है यार, यहाँ सबकी नजरें हमारे पर ही टिकी रहती है। तुम्हारा वो गुजराती फ्रंट नहीं दिख रहा है? आ गया वो, वापस वही धंधा शुरू कर दिया क्या? तुम नहीं सुधरोगे, दूसरा काम तो आता नहीं, तुम लोग को चिंदी चोरी करोगे ना। इसका भी भाषण चालू हो गए, यही बचा था। अरे रुपेश का पापा आ गया। देख क्या रहा है, चल पीछे बैठ। चलता हूं। सुनो, तुम्हारा बेटा कहाँ है? अभी वो उसी गैंग के साथ है क्या? नहीं सर, उसे इसलिए नहीं छोड़ा कि वो तुम्हारा बेटा है, शफीक की वजह से छोड़ा है। दोबारा उन गैंग के लड़कों के साथ देखा तो टांगे तोड़ दूंगा उसकी। क्या करूँ सर, वो मेरे लिए भी सरदर्द बन गया है। देखो भाई, तुम्हें अपने बेटे पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा पकड़ा गया ना तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। सर अंदर गए, जल्दी से फाइल रेडी करके पहुंचाओ उनके पास। जी सर। उस बाइक का इंजन सही कर। उस पुलिस वाले के लड़के के साथ दिखाना, टांगे तोड़ दूंगा। पूरे गांव के लोग ताने सुनाते हैं मुझे, पता नहीं कब सुधरेगा तू। उन लोगों के साथ वापस दिखाना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चुपचाप बाइक का इंजन बना। मुझे तो मैं सुधार कर रहूंगा, तेरा बाप हूं मैं। ए, धूल क्यों उड़ा रही है? पानी मार के नहीं कर सकती क्या? ए, तू ही साफ कर ले, गधा कहीं का। ना तो खुद कुछ करता है और ना मुझे करने देता है। ये क्या है? चाचा ये मटन लाया हूँ। किसके लिए लाए हो? शफीक के लिए लाया हूँ। समझ में नहीं आता मैं उसका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। पर वो तो चला गया। हाँ चला गया, वो तो कल सुबह ही चला गया। ये तो उसके लिए लाए थे, मैं कैसे ले सकता हूँ? कोई बात नहीं चाचा, ये मटन अब आप ही रख लीजिए।
शफीक की वजह से मुझे लग रहा है मेरा बेटा अब सुधर जाएगा। सुनो नागा भाई, इस पॉइंट पे वो शायद नहीं दिख रही है जो मैं हमेशा देखता हूँ। दिखाइए। कौन सी साइड की बात कर रहा है? अरे वो वाली बे। मजे वाली। जिंदगी में हर चीज का मजा लेना चाहिए। यही सही उम्र है अंकल। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। एक पैर कबर में और दूसरा पैर केले के छिलके पे। क्यों मजाक उड़ा रहे हो भाई? फिर से दोनों यहाँ आ गए, फिर से पुराने धंधे में लग गए। ये बटन दबाने से चालू हो जाता है। उसके बाद क्या करना है ये बताओ। हाँ, बाकी सब बाद में बताता हूँ। ठीक है, हाँ जाओ अभी। और चार कैसा है? पापा गाड़ी खरीदने के लिए बेंगलोर गए, इसीलिए आ पाया। अच्छा, तेरे घर की क्या हालचाल है? मेरी माँ को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो शफीक हम लोगों को फंसा सकता है। अरे ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और क्या? ब्लैक नहीं, डार्क बे। नागा, दो टॉप अप देना। अरे मैं बार बार बटन दबा रहा, वो शायद इसमें दिखाई नहीं दे रहा ना। अभी आप जाओ, जाओ बोला ना, जाओ अभी जाओ। जल्दी कर, मुझे भगा रहे हो। चाचा इधर आओ, मेरे साथ आओ। क्या हुआ? दिखाओ मुझे फोन। मेरा फोन बंद पड़ गया है, चलो अंदर चलते हैं। हाँ चल। नागा भाई ये फोन चेक करो ना, चालू नहीं हो रहा है। प्लीज अर्जेंट है ना। कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार कर लेंगे। और क्या? देखो अभी स्टॉक में कुछ भी नहीं है, बाद में आना। क्या हुआ तुम्हारे फोन को? क्या हुआ? नहीं ठीक है, हम जाते हैं। चल। ये भी आ गया। ये दोनों क्यों आए थे? उसी के खबरी होंगे, बहुत देर से बाहर भी बैठे थे। अच्छा। बाय टीचर जी। इसको तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। बाय मैडम, बाय आंटी। ठीक है, छोड़ूंगा नहीं। एक नंबर की सुट्टेबाज है। वाह दादी, चलें। चलो रुपेश, दादी को ऑटो में बैठा। चलो दादी, चलो। चलो दादी, पी लो बिंदास। सादा पानी मिला है ना। पी गई। दादी ये बबल गम लो, इससे बदबू नहीं आएगी, ये बेस्ट है। अरे दादी, जो बताया था भूलोगी तो नहीं? दादी घर जाने से पहले बबलगम थूक देना। अरे मैंने तो निगल लिया। अब तो दादी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एक पीड़ी पी लूंगी ना तो सब कुछ अपने आप ही निकल जाएगा। दादी तुम कमाल हो। प्रिंस बाइक साइड में लगा। संभल के। ये सुनना, वो दादी को देना वो। हाँ। अरे चार्ली अब क्या दे रहा है? यार दादी सब संभाल लेगी ना। ये क्या? ये लीजिए, ठीक है ना? मुझे लगा आपको बता दूं। अच्छा हुआ कि ये फोटो मेरे हाथ लगी। शफीक के अम्मी अबू ने इसे नहीं देखा और ना ही मैं दिखाऊंगी। मोहम्मद को पता चलेगा ना
तो वो ये शादी रुकवा देगा, ये शादी होने ही नहीं देगा। लेकिन सुरैया वो बहुत चालाक है, वो यहाँ की वार्ड मेंबर है ना, वो इस बात को अच्छे से छुपा लेगी। आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। आपके सिवा इस फोटो को और किसी ने नहीं देखा, पर आप एक बात याद रखिए, ना मैं यहाँ पर आई और ना आपने मुझे देखा। पर उन दोनों की एंगेजमेंट तो हो चुकी है। एंगेजमेंट हुई है, शादी तो नहीं हुई ना। अगर शादी हो जाती तो फिर क्या करते। बहुत दिनों से मुझे उस पर शक था, पर मेरा शक बिल्कुल सही निकला। कश्मीरी लड़कियां सुंदर होती हैं, किसी को भी फंसा सकती हैं। शफीक जब से कश्मीर में पोस्टेड हुआ है ना, तभी से इसे जानता है। फोटो में देखो शफीक के साथ कैसे चिपक के खड़ी है। थोड़ा पानी मंगाओ, मेरे लिए भी लेकर आना। इन्हें दो अटैक आ चुके, आपको इनसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ओ, तुमसे किसी ने राय मांगी क्या? मेरी मानिए, आप फैसला कर लीजिए, शादी के लिए मना कर दीजिए। नैना स्कूल से आ जाए ना तो उसे ये फोटो जरूर दिखा देना। अगर आप अपनी बेटी का भला चाहते हैं ना, तो ये निकाह मत करवाइए। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह इन लोगों को बचा लेना। जरा कार की चाबी देना। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं उमर से मिलके आता हूँ। हाँ? वो अभी मस्जिद में ही होगा, वही था ना जो ये रिश्ता लेके आया। पापा जी एक मिनट बैठिए तो सही। नहीं, मुझे उमर से मिलना है। उमर सर से मैं बात कर लूंगी पापा जी, अब बैठिए ना पापा जी। अब क्या बात करनी है, वो कोई और नहीं उनके घर की ही है। ये बात उनकी दादी ने ही बताई है ना, हम लोगों ने फैसला कर लिया है हमें रिश्ता नहीं करना है। दादी बात करते समय थोड़ा घबरा रही थी। पापा इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। मुझे नहीं लगता, उसने वही कहा जो उसने देखा। दादी नैना को तो अपनी बेटी मानती है ना। हाँ। ये कश्मीर इंडिया में ही है, युगांडा में थोड़ी है, हम जाके पता कर लेंगे। अच्छा मैं आपकी सहेली नबीसा के हस्बैंड भी तो कश्मीर में ही पोस्टेड है ना। नसरीन आप लोग इतना परेशान मत होइए, मैं शफीक को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत ही शरीफ है। चाहे वो कश्मीरी लड़की से शादी कर ले या फिर वो किसी और लड़की से शादी कर ले, मैं उसी से शादी करूंगी। ये तो ऐसे ही बोलेगी, हमें इसकी बात बिल्कुल नहीं सुननी। आप उमर कुट्टी को बुलाइए। पागल है क्या? हमारे पास दो ही तो बोतल है, उसे भी खत्म कर देगा तो क्या करेंगे हम? इतनी रात को वाइन शॉप भी बंद होगी यार। सॉरी यार। सॉरी से बोतल दोबारा भर जाएगी क्या? वैसे भी हम लोग फंसने ही वाले हैं, तुझे क्या लगता है? कर्फ्यू? हाँ? यार कर्फ्यू बोलने में इतना डिफिकल्ट लगता है, लग गया तो क्या होगा? अरे जाने दे यार नागा, उस बुढ़िया को बता कि हमने अच्छा काम किया है, हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए यार। अरे प्रिंस कहाँ है? हेलो, हाँ बोलना। कहाँ पर है तू? घर पे हूँ। हम सब यहाँ पर तेरा वेट कर रहे हैं। घर से बाहर नहीं आ सकता है, जाने दे यार, तुम लोग एंजॉय करो। ठीक है तू ना घर पे ही रह, चल फोन रख। अरे एक सिप देना यार। ये ले। ला। हमें सब भूल कर सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम उस शफीक की वजह से ही हुई है, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ ला एक सिप दे। ला। ले। गांव के भगवती उत्सव में देवी माता की पालकी शफीक ही तो लेके जाता है ना, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। अगर उसने कश्मीर की लड़की से शादी की होती तो उसे लेकर यहाँ आ जाता ना, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मेरे मन को ठेस पहुँचे।
हम लोग तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन बिना आग के धुआं तो नहीं उठता ना। आखिर ये गलत फहमी फैलाई किसने? ये तो हम पता करके ही रहेंगे। जात पात पे हम भरोसा करते नहीं है, हमें सिर्फ शफीक और नैना से मतलब है और कुछ भी नहीं। बेगम जी, बिरयानी अगर जल जाए तो खाने लायक नहीं रहती। इन्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। आखिर दोनों बच्चे हमारे ही हैं, हमें नरमी से काम लेना पड़ेगा। बशीर भाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। पापा, क्या आपने देखा? ये फोटो फेक है। फेक है? देखो माँ, किसी के तीन हाथ कैसे हो सकते हैं? ये क्या? आंटी देखिए, आप भी, अंकल आप भी देखिए, फोटोशॉप में जाकर किसी ने इसे एडिट किया है। इसमें शफीक भाई के तीन हाथ दिख रहे हैं। सच बताइएगा अंकल, ये फोटो आपको किसने दी? मैं क्या कहूँ, आपके रिश्तेदार ने दिए। हमारे रिश्तेदार? लेकिन कौन? वो कौन है? तिथु दादी, आप यहाँ पर? नहीं, वो मैं यही रहती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? वो मेरा भाई है ना, उसी के घर जा रही हूँ। इन्होंने दी थी ये फोटो हमें। अल्लाह, क्या हुआ दादी? हाय दादी, पानी पिलाइए। ये तो रोज का नाटक है इनका। ये तो चाहती नहीं कि उन दोनों का निकाह। ये तो दादी, ये फोटो तुम्हें देने के लिए किसने कहा था? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। तुम रहने दो, मैं बाद में पूछ लूंगा आराम से। अब तो भरोसा हो गया ना आप लोगों को? उससे भी पता चल जाए, हम भी यही चाहते हैं। हमारी नैना को तो पहले से ही पता था, तभी तो उसने इनकार नहीं किया। हम सब भी चाहते हैं कि दोनों का निकाह जल्द से जल्द हो जाए। उसको पता नहीं कि हम लोग आपके घर आए हैं। वो क्लस्टर क्लासेस के लिए त्रिवेंद्रम गई है। क्लस्टर क्लासेस के लिए? और मुझे बिना बताए? मुझे नहीं लगता कि स्कूल के स्टाफ को भी इस बारे में कुछ पता होगा। नैना क्लस्टर क्लास के लिए नहीं, कश्मीर गई है भाईजान से मिलने। कश्मीर गई है? हाँ। पाली, तू यहीं रुक, मैं साहब को मिलके आता हूँ। ठीक है। मैं कम इन सर? यस। ओ शफीक, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। जैन सर। कम ऑन, सिट डाउन शफीक। थैंक यू सर। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। कैसा रहा ऑपरेशन? तीन टेररिस्ट को मार गिराया सर, 8 घंटे की कोशिश में। आई ऑलरेडी गॉट दिस मैसेज, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। एंड आई हैव अ हैप्पी न्यूज फॉर यू, I recommended you for the Sena Medal of this year. Oh, thank you, sir. No. You truly deserve it. Now go and just relax, Shafiq. Okay, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. Oye, Balli, chale. Chal. Tu ja, yaar. Kyun? Maara ja, kaam hai ga mera. Ithe hi hu main. Wahe Guru. Cottage mein milenge. Theek hai. अच्छा चलता हूँ। अच्छा बल्ली, सत श्री अकाल। चंगा फिर। जय हिंद साहब। तुम यहाँ कैसे? ऐसी भाटिया कहाँ है? छुट्टी दे दी। ओके चलो। बैठो। इतनी दूर मुझसे मिलने के लिए आई, कोई खास वजह तो होगी? नहीं तो।
चलो तुम्हें कश्मीरी कहवा पिलाता हूँ। चलो थैंक यू, पी के देखो। तुम डर गई थी क्या? किस लिए? कहीं मैंने किसी कश्मीरी लड़की से शादी तो नहीं कर ली? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आई। शफीक, केरला के साधारण परिवार की एक लड़की तुमसे मिलने नहीं आई है, तुम्हारा यकीन और मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है। किसने ये फोटो एडिट की है? तुम में से किसका काम है ये? इन्हीं लोगों ने मुझे फोटो देने के लिए कहा था, बदमाश कही के एक एक की टांग तोड़ दो। तुम चुप रहो। अरे छोड़ो मुझे, मेरे नवासे शफी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। उम्र, इस बुढ़िया को यहाँ से बाहर लेकर जाओ। दादी, दादी, आप अरे चलते। अरे छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। ले जाओ। साहब मैं बताऊँ, ये लड़के ना बीड़ी, सिगरेट, दारू और ड्रग्स भी लेते हैं। चलिए छोड़ मुझे, चलिए जाओ। बताने ये तो पुलिस दे। स्टेशन है, घर नहीं है आपका। पता है पुलिस स्टेशन है। बड़ा आया मुझे। ए दिनेश, मैंने कहा था ना अपने बेटे पे नजर रखो। एक पुलिस वाले होकर अपने बेटे का ध्यान नहीं रख सकते? शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। कैसे बाप हो तुम? अरे इन्हें रखिए आप। नहीं बाबा, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? बाबा नहीं। अरे उमर, नहीं। अरे सर, नहीं बाबा। अरे क्या है सर? छोड़ दे बाबा। नहीं। अरे सर, नहीं। क्या कर रहे हैं? रुक रुक, उसे कोई छोड़ ले। दिनेश, शांत से मार। छोड़ दीजिए मुझे सर। अरे दिनेश, रुकिए सर, अंकल को रुकिए ना सर। नहीं, बात नहीं है। अरे अरे कोई रुको। दिनेश रुको, रुको सर। पागल हो गए हो क्या तुम? अगर इसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आज पहली बार सर इस लाठी का सही यूज हुआ है। आखिरी वार्निंग है ये मेरी, इस बार छोड़ रहा हूं। चलो जाओ यहां से। ऐसी हालत करूंगा तुम लोग की, याद रखना। निकलो, ले जाओ इसे। जा, उठा इसे। चलेंगे नहीं कभी। चल चल चल, देखो संभल के। चल चल संभल के हैं, आराम से। इस महीने की 22 तारीख को उसका निकाह है। उसके पापा ने हमें भी इनवाइट किया है। जो भी है, शादी से पहले एक बार मस्जिद में जरूर आएगा, उसे वहीं निपटा देंगे। अगर वो रात को नहीं आया तो? नहीं, वो मस्जिद में जरूर आएगा। अगर शफीक नहीं आया तो फिर क्या करना है? इस काम के लिए सर्वेश को पैसा देंगे तो हो जाएगा। अगर हमने शफीक को शादी में मारा तो हम सब फंस सकते हैं, कुछ और सोचना पड़ेगा। इस काम में तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेला ही कर लूंगा। उसने मुझे पिटवाया है ना, छोड़ूंगा नहीं उसे, मार दूंगा। यार ये ना अभी गुस्से में है, इसके गुस्से की वजह से हम सबको नुकसान हो सकता है। चलो इसे मिलके समझाते हैं। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, तेरा बदला तो लेंगे हम उससे। और क्या? टेंशन मत ले यार, सुन मेरी बात। बहुत पैसे पड़े हैं गल्ले में मेरी शॉप में। एक काम करते हैं, सारे ट्रिप पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। क्या बोलते हो तुम लोग? शादी के एक दिन पहले हम वापस आ जाएंगे। चल चलो अशोक, चल चला जा।
तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। क्या लिया? मिलोगी तो बताऊंगी। मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। अरे क्या लिया बताओ। जब मिलूंगा ना तब बता दूंगा। नैना हाँ चले। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। अच्छा कुर्सियाँ वहाँ लगवा दो। हाँ और देखो कोई दिक्कत ना हो। यहाँ का काम मैं संभालूंगा। तुम बेगम जी के पास जाओ। मैं यहाँ संभाल लूंगा। ठीक है हाँ करता हूँ। तुम भी जाओ उसके साथ उसकी मदद करो। अरे चाकू भी निकाला तूने? अरे सुनना क्यों ना उस फौजी के नाम की सुपारी दे देते हम लोग। मुझे पता है क्या करना है। अरे अब जाने भी दे यार। ए छोड़ना। ए शक, ए शक, शक। अरे बात तो सुन यार। कैप्टन शफीक को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भाई इस देश के लिए कुर्बान हो गए और मैं उन्हें ही मारना चाहता था। लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। Flood!
क्या हुआ अशोक? क्या हुआ अशोक? क्या हुआ? क्या हुआ? बोल क्या हुआ यार? तू क्यों बता ना क्या हुआ? अल्लाह अपनी दादी को अकेला छोड़ गया मेरा बच्चा। अल्लाह इसे जन्नत बख्शे। मेरा शफी। अरे शंकर भाई रुकिए, छोड़ो मुझे, छोड़ो, रुकिए शफी भाई, संभालो नसरीन। Thank you.
कम। इधर रखो इन्हें, तुम हटो यहाँ पे। हाँ सर, आप ये क्या कर रहे? एक जगह बैठ जाइए ना। वो देश के लिए शहीद हुआ है, हमें उसकी शहादत की कदर करनी चाहिए। सब ठीक ठाक होना चाहिए, सबको स्कूल में लेके आओ, स्कूल में सबको आने को बोलो, स्कूल में। हमशा तुम इधर आओ। स्कूल के लिए 300 चेयर लगेंगी, वो यहाँ पर है। स्कूल के लिए गाड़ियों का इंतजाम भी मैंने कर दिया है, गाड़ियाँ स्कूल में पहुँच जाएंगी। सबको बोलो स्कूल में आ जाएं, सबको आना पड़ेगा। कुर्सियाँ हो गई, गाड़ियाँ भी हो गई, और क्या बचा? अमशा तुम रो क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या है तुमको? शफीक तो शहीद हो गया। शफीक शहीद हो गया वो। तुम ले लो। माँ, माँ, माँ रोइए मत। Your son was a great soldier. He gave his life for his country. We all proud of him. The whole country is proud of you, Ma. Hamare dilon mein wo hamesha amar rahega. He was a great soldier. Wo gaya, jaane kahan kho gaya. Suna hai aasman, roye ye dhara. खो गया, जाने कहाँ खो गया,
सोना है आसमां रोए ये धरा। वो वीर था दुश्मन से लड़ा, उस खाक में मिला के छोड़ा। तुझ पे हमें बहुत अभिमान है बना गगन का तारा। वो गया जाने कहाँ खो गया, सुना है आसमां रोए ये धरा। है कहाँ होश अब है कहाँ, देखो वो जा रहा कहीं दूर। वो वीर था दुश्मन से लड़ा, उस खाक में मिला के छोड़ा। तुझ पे हमें बहुत अभिमान है बना गगन का तारा। जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट अटैक में शहीद हुए कोलीकड़ा एडक्कड़ के कैप्टन शफीक मोहम्मद का पार्थिव शरीर एडक्कड़न CBSE स्कूल में श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है। उस बहादुर जवान के पार्थिव शरीर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो रही है। एक बहादुर सैनिक जो हमारे देश के लिए शहीद हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में कैप्टन शफीक को आतंकवादियों ने गोली मार दी। उन्होंने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। एक बच्चे को बचाते वक्त उनमें से बचे एक आतंकवादी ने पीछे से कैप्टन शफीक पे गोलियों की बौछार कर दी। इसके पहले भी कैप्टन शफीक ने कई आतंकवादियों को मार गिराया था। कैप्टन शफीक की शहादत पर उनके गांव के साथ साथ पूरे भारतवासियों को नाज है। उनके रिश्तेदारों ने बताया है कि कैप्टन शफीक के पार्थिव शरीर को इधक्कड़ जुमा मस्जिद के पास 5:30 बजे दफनाया जाएगा। जो डगर तुम्हारी थी मैं चलूंगा उस पर, दिल में मैंने अब ये सोचा है। आज भी क्यों लगता है छूनूं बढ़ के मैं तुमको, यूं लगे यहाँ पे तुम भी हो। तुम सूरज जैसे चमकोगे सदा, जग भूलेगा ना अब तुम्हें। हमसे दूर गए अब दिन वो आएंगे ना लौट के, जाकर तो लौटा कोई ना। वो गया जाने का खो गया, सुना है आसमां रोए ये धरा। है कहाँ होश अब है कहाँ, देखो वो जा रहा कहीं दूर।
वन राउंड लूट प्रेसेंट फायर। कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में अगस्त 2000 में टेररिस्ट अटैक में कैप्टन शफीक ने अपनी जान गंवा दी। कैप्टन मोहम्मद शफीक को परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया गया। कैप्टन शफीक एक जांबाज सिपाही थे। कैप्टन मोहम्मद शफीक को गोली मारने वाले आतंकवादी अब्दुल्ला खान को कल सुबह 4 बजे फांसी दी जाएगी। कैप्टन शफीक की इस वीरता पर हम सबको गर्व है। वो अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हमको अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। जय हिंद। सिपाही अशोक सामने से टेंशन। ऑल द बेस्ट। ट्रेनिंग करने के बाद मुझे रेजिमेंट से गांव जाने का मौका मिला। कावड़ी उत्सव में हम सभी दोस्त एक बार फिर से मिले। सब अलग अलग राज्यों से वापस आए थे। सब के सब बदल गए थे। हम सब की लाइफ को एक नया मकसद मिल गया था। उस ब्रिज पर बैठकर हम सब ने कैप्टन शफीक को याद किया और उस दिन से हमने उस छोटे से ब्रिज का नाम रख दिया था, एदक्कड़ बटालियन 06। हमारा छठवां दोस्त शफीक हमारे दिल में आज भी जिंदा है। जब तक हमारे देश की धरती पर ऐसे वीर सपूत जन्म लेते रहेंगे और भारत माता के लिए अपनी जान निछावर करते रहेंगे, तब तक किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी धरती मां को आंख उठाकर भी देख सके। शत शत नमन है ऐसे वीर सपूतों को। जय हिंद, जय हिंद।